हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप लोगों के लिए देखिए एमसीक्यू बैच आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जो कि टॉप के एजुकेटर्स के द्वारा होगा। आपके एनटीए 2021 का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन इस बैच से आपकी हो जाएगी। 15 फरवरी से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें पेपर वन के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। और आपको मेरा कोड यूज़ करना है जो कि है शिक्षा 10। साथ में गाइस देखिए बहुत सारे बैचेस हैं जो कि आपकी एनटीए यूजीसी नेट के लिए आते रहते हैं। एवरी मंडे कोई ना कोई नया बैच जो है वो आपकी अनअकैडमी पर आता ही रहता है। आपको बहुत सारी अच्छी आपकी तैयारी जो है वो होती है इससे। तो आप इसमें प्लस का या फिर आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ में आइकॉनिक में कुछ और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारे बैचेस आपके एनटीए यूजीसी नेट के चल रहे हैं, जैसे कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच, अभी एक जो बैच मैंने आपको बताया वो आपका। तो आपको करना क्या है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेना है अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जो कि है शिक्षा 10। और जब आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम 10% डिस्काउंट जो है ये बस कुछ ही दिनों के लिए है। तो गाइस जल्दी कीजिए, अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम 10% का जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारे वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख स्थान एवं उनके वास्तुकार। जो भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है वो हम कॉपी में कवर करेंगे। इस वीडियो पर ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि अभी रेलवे एन के पी सी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी। 4 फरवरी को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित कि उनके वास्तुकार कौन है, और अन्य में भी आए हैं, इसलिए हमने इसको ये वीडियो कवर करने की कोशिश करी है। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि है कि जो भी फेमस प्लेसेज हैं उनके वास्तुकार कौन है, इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है, लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है। ऑप्शंस हैं प्रशांत मिश्रा, चंद्रकांत सोमपुरा, ओनार्ड आग्जियर या फरीबोर्ज साहबा। तो लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है उसके वास्तुकार कौन है, डी ऑप्शन हो जाएगा फरीबोर्ज साहबा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आगे एग्जाम्स में पूछ ले क्योंकि एन के पी सी में इससे लेके अन प्लेसेस या अन कोई भी स्टैचूज है उनके लेके क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि मैंने बताया एन के पी सी में स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूछा था कि वास्तुकार कौन है, तो इसलिए ये वीडियो कवर करें कि आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए किसी अभी जो एन के पी सी एग्ज़ाम्स बाकी हैं उनमें या फिर आगे और एस एस सी के एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन है कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, निरंजन महाराज, चंद्रकांत सोमपुरा, यदुवेंद्र राव या रामवीर सुतार। तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, बी हो जाएगा ऑप्शन चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक, जो चंद्रकांत सोमपुरा है वो किसके वास्तुकार है, राम मंदिर के वास्तुकार। आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ये 4 तारीख के जो एन के पी सी की पहली शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आएगा सेम कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसके वास्तुकार कौन है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके वास्तुकार कौन है, तो प्रशांत मिश्रा, सुशील प्रभा, रामवीर सुतार या फरीबोर्ज साहबा। फरीबोर्ज साहबा तो किसके हैं, लोटस टेम्पल के अभी हमने देखा, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के कौन हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा रामवीर सुतार जो हैं वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, वन एटी टू मीटर्स। ठीक, सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी, 182 मीटर सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे, गुजरात के नर्मदा नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर गुजरात
गुजरात में नर्मदा नदी पर किस कौन से बांध पर? सरदार सरोवर बांध पर। बांध के समीप स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पहला तो क्वेश्चन, वास्तुकार कौन? रामवीर सुतार। ऊंचाई 182 मीटर्स। कहाँ पे? गुजरात में नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है उसके समीप स्थित है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ था कब? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को। किसके द्वारा? तो पीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो पीएम द्वारा। ठीक, तो क्या क्या हमने इसमें कवर किया? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पहला तो वास्तुकार कौन है? रामवीर सुतार। ऊंचाई 182 मीटर। गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जो बांध है उसके समीप स्थित है। कब इसका जो अनावरण किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का? कब? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। कब होती है? 31 अक्टूबर 2018 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब किया था? 2018 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए रुपए का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इम्पोर्टेंट है। तो जो भारतीय मुद्रा है, इंडियन करेंसी है, उसका जो रुपए का डिज़ाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया? प्रशांत मिश्रा, संजय अग्रवाल, संजीव आर्य या उदय कुमार। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा, उदय कुमार द्वारा जो भारतीय मुद्रा का जो रुपये का डिज़ाइन है वो तैयार किया गया था। आगे, लोकपाल का लोगो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? ऑप्शन प्रशांत मिश्रा, संजय अग्रवाल, संजीव आर्य या सतीश माधव। तो जो लोकपाल का लोगो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो प्रशांत मिश्रा द्वारा। लोकपाल से संबंधित, तो जो लोकपाल है, देश के पहले लोकपाल कौन है, कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। कब स्टार्ट हुआ ये, कब नियुक्त किया गया? तो 2019 में ये स्टार्ट किया गया। तो 2019 में पहले जो देश के लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष के नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का, 5 ईयर्स। ठीक, तो लोकपाल का जो लोगो है किसका द्वारा डिज़ाइन किया गया? प्रशांत मिश्रा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, संजीव आर्य या पिंगली वेंकैया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया? पिंगली वेंकैया द्वारा। जो ये डिज़ाइन है राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, या सिंपली कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, आगे, राष्ट्रपति भवन दिल्ली के वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विंकेट, एडमिन लुकेंस, ओनार्ड आग्जियर या स्टीफन सावेस्ट्रिक। तो जो राष्ट्रपति भवन है उसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? बी ऑप्शन हो जाएगा, एडमिन लुकेंस जो है वो राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार हैं। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है, विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन है? विलियम एमर्सन, जॉब चारनॉक, ओनार्ड आग्जियर या लू या ली कार्बूजियर। तो कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, विलियम एमर्सन जो है वो जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है उसके वास्तुकार है विलियम एमर्सन। नेक्स्ट, रॉक गार्डन चंडीगढ़ बहुत ही फेमस, काफ़ी सुंदर के वास्तुकार कौन है? रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद, नेकचंद सैनी, ली कार्बूजियर या राजपाल सिंह। तो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है उसके वास्तुकार कौन है? नेकचंद सैनी।
बी ऑप्शन हो जाएगा रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन, नेकचंद सैनी। लास्ट क्वेश्चन है कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन है, इंपॉर्टेंट कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन है, विलियम एमर्सन, जॉब चॉर्नॉक, ओनार्ड आल्जियर या ली कार्बूजियर। तो जो कोलकाता नगर है उसके वास्तुकार कौन है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जॉब चॉर्नॉक। ठीक, कोलकाता नगर के वास्तुकार। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ प्रमुख स्थान या यूनिटीज़ वगैरह के वास्तुकार कवर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी अभी रनिंग NKPSC एग्ज़ाम्स के लिए और या फिर आगे SSC के एग्ज़ाम्स के लिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।